और चलिए एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम और जेवर एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल दोपहर 3:35 पर पहुंचेंगे जेवर एयरपोर्ट। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और इसी कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, आगे क्या तैयारियां रहने वाली हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे, इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। बहराइच और सीतापुर के बाद में अब मैनपुरी में भी भेड़िये की दहशत नजर आ रही है। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी जरामई में देर रात एक भेड़िये ने खेत पर सो रहे प्रियांशु नाम के लड़के पर हमला कर दिया। घटना के बाद से गांव में महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने 7 सदस्य टीम को गठित कर भेड़िये की तलाश शुरू कर दी है। जी देखिए, मैनपुरी जनपद के जो दन्नाहार थाना है वहाँ पे छोटी जरामई गांव से कल रात को वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई है एक भेड़िये की, जो कि तत्काल 7 सदस्यीय टीम की एक गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं शोएब अंसारी जी हैं, जो हमारे रेंज अफसर मैनपुरी हैं, उनके अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया। टीम हमारी मौके पर पहुँच रही है, मौके पर जाके वो उस पूरे स्थल की बाकायदा जाँच करेगी। जांच करने के बाद जिस पे हमले की जो शिकायत प्राप्त हुई है उस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा। वहाँ पे एक पूरा माहौल क्रिएट करेंगे कि कैसे क्या हुआ है, और हम रेगुलर जो है कि उन टीमों को कहेंगे कि वो 24 घंटे वहाँ निगरानी करते रहे, इसलिए कोई घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट सामने आई है। यहां पर अब तक कुल 19,775 ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्रों में से केवल 230 ही सही मिले हैं। बाकी बचे हुए 19,545 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। ये सभी जन्म प्रमाण पत्र यहां के सलोन ब्लॉक स्थित 6 ग्राम सभाओं में बनाए गए हैं। प्रतापगढ़ में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव और उसके भाई सपा के जिला अध्यक्ष शविनाथ यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गवाह को धमकाने पर यह केस दर्ज किया गया है। मानिकपुर थाने में दर्ज इस मुकदमे में दोनों नेताओं के खिलाफ SC/ST की धाराएं भी लगाई गई हैं। आरोप है कि मुकदमे में गवाही से रोकने के लिए गुलशन यादव ने पीड़ित को धारदार हथियार से अगवा कर और साथ ही जान से मारने का प्रयास भी किया था और जेल में बंद अपने भाई शविनाथ से फोन पर धमकी भी दिलवाई थी। महोबा में News 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बेटे सांसद प्रतिनिधि समेत 3 के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सपा सांसद के बेटे की गुंडई सामने आई थी। 4 घंटे तक कई ट्रक को रोककर सड़क पर जाम लगा दिया। थाना प्रभारी मनीष पांडे से सपा सांसद के बेटे और प्रतिनिधि की बहसबाजी भी हुई थी। शिकायतकर्ता कृष्णकांत पाठक ने सपा सांसद के बेटे पर बंदूक के बल पर गुंडा टैक्स वसूलने का आरोप लगाया था। दिनांक 8 सितंबर को रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास पनवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाठकपुर पुलिया के पास सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग कुछ गाड़ियों को रोक रहे हैं, जिससे वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने विवाद को शांत कराया। उक्त घटना से संबंधित एक तहरीर थाना पनवाड़ी में प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता की तहरीर पर थाना पनवाड़ी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम कार्रवाई चल रही है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक डॉक्टर ही महिला डॉक्टर की आपत्तिजनक फोटो लेने के बाद में ब्लैकमेल करने लगा और उनसे 20 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद में पीड़िता ने नंदग्राम थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने महिला डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर हसीन को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर हसीन ने उससे कहा कि हम लोग एक अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदते हैं, क्योंकि ये गाइनो है जो डॉक्टर महिला डॉक्टर हैं,
और उनका ये कहना था कि तुम इसमें करीब 20 लाख रुपए लगाओ और जो भी इससे प्रॉफिट होगी उसमें हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। इसने जब मना किया तो डॉक्टर ने इसको भगा के एक दिन अपने घर पे बुला लिया। राजनगर स्टेशन में डॉक्टर रहते थे, अकेले रहते थे, और वहाँ पे महिला डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के दे दिया जिससे उसको नशा हो गया। फिर डॉक्टर ने उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो बना ली, फिर उसको ब्लैकमेल करने लगे और उससे पैसे की मांग करने लगे। इस संबंध में अभियोग दर्ज करते हुए जो आरोपी डॉक्टर हसीन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में गैंग रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मोहम्मद ऐश गिरफ्तार हो चुका है। नाबालिग किशोरी से गैंग रेप का आरोप लगा था। विरोध करने पर लड़की पर ईंट से कई वार भी किए थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्नौज की। कन्नौज में एक किशोर के साथ में पढ़ने वाले ने पहले कुकर्म किया और फिर कुकर्म का वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद में पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि मामले में दोषी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीनों आरोपी पीड़ित से लगातार रुपए वसूलते रहे। और हाथरस में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की कोशिश की थी। मामला चदंपा कोतवाली इलाके का है। लड़की का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है और परिवार के लोगों का कहना है कि गांव के ही दो लड़के काफी समय से परेशान कर रहे थे। मुजफ्फरनगर में एक कार सवार बदमाशों ने बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा का उस दौरान अपहरण करने का प्रयास किया जब छात्रा अपने घर से कॉलेज के लिए जा रही थी। शोर शराबा होने के चलते जहां आस पड़ोस के लोगों ने मौके से एक युवक को पकड़ लिया तो वहीं तीन जो बाकी के युवक थे वो घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर अपने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस ने, और साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। बाकियों को भी गिरफ्तार करने की बात पुलिस के द्वारा कही गई। आज सुबह थाना सिविल लाइन्स में एक सूचना प्राप्त हुई कि नवाब अजमत अली कॉलेज के पास एक छात्रा को कुछ लड़कों ने जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की है। इस सूचना के मिलते ही पुलिस तुरंत जो है मौके पर पहुंची एवं उनमें जो मुख्य आरोपी था उसको वो पुलिस की हिरासत में है और इसमें जो बालिका है जो वादी है बेसिकली उसके परिवार से जो है तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और भी लोग शामिल थे उसके साथ, आरोपी के साथ और वादी हैं। हाँ, जो वादी मुकदमा है उन्होंने कुछ और लड़कों के भी नाम लिए हैं, वो इस समय जो है अपने घर से फरार है, उनकी जो है तलाश जारी। कुशीनगर में दबंगों ने आर्केस्ट्रा में काम करने वाली दो लड़कियों को अगवा कर लिया। लड़कियों ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था तो दबंगों ने हवाई फायरिंग कर दी और इसके बाद में दबंग लड़कियों को एक बर्थडे पार्टी में ले गए। मकान के मालिक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने बर्थडे पार्टी से दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया। इसके बाद में पुलिस ने लड़कियों को अगवा करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एक बीजेपी नेता का बेटा है जबकि एक डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस ने दबंगों के पास से एक अवैध रिपीटर, शॉर्ट पंप गन और साथ ही 2 पिस्टल बरामद की है। दबंगों के पास से 63,000 रुपये कैश, 2 फॉर्चूनर गाड़ियों को भी टीम ने बरामद किया है। जनपद कुशीनगर में थाना रामकोला में 8/9 की रात्रि में करीब 12:30 बजे पीआरवी से सूचना प्राप्त हुई कि दो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली 2 युवतियों को कुछ लोगों के द्वारा उनके घर पर आकर फायरिंग कर उठा के लेके गए हैं। इस सूचना पर रात्रि में ही संज्ञान लेते हुए तत्काल हमारे दोनों एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और पूरे जनपद में चेकिंग किया गया और 2 घंटे के अंदर इन युवतियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस प्रकरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में प्राधिकरण की कार्रवाई सामने आई है। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से गिराया गया। 5 अलग अलग जगह पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी वहां पर टीम ने कार्रवाई की है और बुलडोजर के जरिए जो इमारत बनाई गई थी जहां पर कब्जा कर रखा था उन सभी को ढहाया गया।
अयोध्या में एक सब इंस्पेक्टर ने अपने ही विभाग के पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। अयोध्या के रहने वाले दरोगा महेश पांडे प्रतापगढ़ में तैनात हैं और वो अपने रिश्तेदार के यहां से परिवार के साथ रात 1 बजे लौट रहे थे। इसी दौरान बीकापुर इलाके में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने स्थानीय थाने के इंचार्ज, चौकी इंचार्ज समेत विभाग के कई जिम्मेदार लोगों को फोन किया और सभी से बात भी हुई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। हादसे में उनकी पत्नी घायल हो गई है। दरोगा ने इलाज ना मिलने का भी आरोप लगाया है। मैंने एसएचओ बीकापुर से बताया 1 बजे रात में, मैंने एसएचओ पूरा कलंदर को मैंने बताया, मैंने भदरसा चौकी इंचार्ज को बताया, मैंने बारून साहिगंज चौकी को बताया, लेकिन कहीं से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही। और इटावा में बाइक आग का गोला बन गई। ड्यूटी से घर वापस जाते समय मेडिकल ऑफिसर की बाइक में अचानक से धुआं निकलने से आग लग गया और साथ ही करीब 30 मिनट में पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। आग की वजह से अंडरपास के दोनों तरफ भीषण जाम लग गई और जिसमें एम्बुलेंस समेत एसडीएम की गाड़ी भी फंसी गई। जौनपुर में सिलेंडर में आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। मिठाई की दुकान में सिलेंडर लीक होने से आग लगी है। घटना केराकत थाना क्षेत्र के थाना गद्दी कस्बे की है। बरेली से कासगंज जा रही रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सवारियों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। बरेली मथुरा हाईवे पर बस में आग लगी थी। आग लगने के बाद में बस सवार 39 सवारियां उतरकर भागी। महोबा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कार ने सड़क किनारे खड़ी महिला, मासूम बच्चे समेत 3 लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए और साथ ही घटना जरोली तिराहे के पास की है। सीतापुर में प्रधान प्रतिनिधि की बाइक से 61,000 रुपए की नकदी चोरी की गई और प्रधान प्रतिनिधि ने बैंक से रुपए निकाले थे और मनरेगा मजदूरों का भुगतान करने निकले थे। वहीं 2 चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मामला रेउसा थाना इलाके का है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया डेलीगेशन आज आगरा पहुंचा था। आगरा पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डेलीगेट्स का स्वागत किया। आगरा शिल्पग्राम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डेलीगेशन के सभी 42 सदस्यों से मुलाकात की और उसके बाद में सभी डेलीगेट्स ने ताज का दीदार किया। मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतनी देर हमारा इंतजार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतना विदेशी पर्यटक आता है, परंतु आज इसका जो सार है वो सिर्फ ये था कि हम वसुधैव कुटुंबकम के लिए बात करें। सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया राजा रणधीर सिंह जी, उन्होंने ये इनिशिएट किया है, तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि आगरा के आप सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत सारा मेहनत किया, इंतजार किया। गोरखपुर के विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का काम अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। जिस एजेंसी को काम दिया गया है उसने अपनी मशीनरी लाना शुरू कर दी है और रामगढ़ ताल के सामने चंपा देवी पार्क में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर पीपल के पत्ते के आकार में बनना है। 6 एकड़ में इस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर में 5,000 लोगों की बैठने की जगह होगी। 2,500 कुर्सियां फिक्स की जाएंगी, जबकि इतनी ही कुर्सियों के लिए स्थान खाली रहेगा। जरूरत पड़ने पर कुर्सी लगाई जा सकेगी। इसमें लगभग 10 छोटे बैठक कमरे भी बनाए जाएंगे, साथ ही अन्य भी तमाम सुविधाओं से इसे लैस किया जाएगा। टेंडर हुआ है, वो फाइनलाइज हो गया है और अवार्ड हो गया है। इसमें मौके पर अब हम लोग काम भी शुरू करने जा रहे हैं। जो प्रथम हमारे बिडर थे जिन्होंने टेंडर लिया था, वो
समय अवधि के अंतर्गत अपना अपफ्रंट प्रीमियम और बीजी नहीं दे पाए थे, इस वजह से उनका टेंडर निरस्त किया गया था। परंतु शीघ्र ही प्रक्रिया को पुनः पूरा करके और अब निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इसका डिज़ाइन का जो फाइनलाइजेशन है वो चल रहा है और इसको शीघ्र ही हम लोग अप्रूव करा करके और इसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेकर के मौके पर काम चालू करेंगे। हरदोई में चार किशोर नहाने के दौरान गंगा नदी के ककरहिया नाले में डूब गए। घटना के बाद में मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने दो किशोरों को बचा लिया लेकिन दो किशोरों की डूबकर मौत हो गई। करीब डेढ़ घंटे बाद में ग्रामीणों के प्रयास से दोनों के शव को बरामद किया गया। सूचना पाकर कई घंटे बाद नायब तहसीलदार समेत पुलिस पर मौके पर पहुंची। दोनों किशोरों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हरपालपुर पर आज दिन में ये सूचना आई कि ककरहिया नाला में बिजली खेड़ा गांव के चार बच्चे नहाने गए थे, जिसमें दो बच्चों की बाहर नहीं आए। इस पर गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से तलाश कराई गई। दुर्भाग्यवश दो बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। संभल में 7 लाख रुपए की वसूली करने पहुंची टीम ने अवैध ई रिक्शा चार्जिंग का स्टेशन पकड़ा है। प्रशासन ने मौके पर 28 ई रिक्शा और साथ ही एक बाइक भी बरामद की है। यहां आसपास के घरेलू कनेक्शन से जमीन में लाइन बिछाकर बिजली की बड़ी चोरी की जाती थी। आसपास के घरों से तार डालकर 50-60 रुपए में ई रिक्शा चार्ज किया जाता था। उनके खिलाफ एक विद्युत की आरसी है करीब 3,45,000 रुपए की और बैंक की आरसी है करीब 3,80,000 रुपए की, करीब 7.5 लाख रुपए के आसपास उनके ऊपर बकाया था प्लस ब्याज के साथ। तो उसी की वसूली के सिलसिले में कुर्की के लिए हमारी टीम गई हुई थी, तो वहाँ जानकारी मिली कि उन्होंने करीब 30 से 40 ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ है। तो जब स्थानीय भ्रमण करके देखा गया तो पाया गया कि वो चार्जिंग पॉइंट पूरी तरह से इलीगल है। वहाँ पर कोई कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं है। आसपास के घरों से 2-3 कनेक्शन उन्हें घरेलू कनेक्शन को की लाइनें खींचकर अवैध रूप से चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ था। तो विद्युत विभाग के लोगों को बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई कराई गई है। वाराणसी में थाना सिग्रा क्षेत्र में आज छात्रों ने चक्का जाम किया। दर्जनों की संख्या में छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 1 के सामने सड़क जाम करते हुए धरने पर बैठ गए। छात्र पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे थे। दरअसल पिछले महीने वाराणसी के मलदहिया स्थित पूलवन के व्यापारियों और छात्रों के बीच में संघर्ष हो गया था। मारपीट करने वाले छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र थे, जिसके बाद में पुलिस ने 5 छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। आज छात्र इसी का विरोध कर रहे थे। अयोध्या में रामपथ के चौड़ीकरण में विस्थापित हुए शिव हनुमान मंदिर को आज फिर से जगह मिल गई है। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के प्रयास से रामपथ के बगल साहबगंज में आज शिव हनुमान मंदिर का भूमि पूजन किया गया। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की प्रयास से रामपथ के किनारे तिराहे पर ही शिव हनुमान मंदिर के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई और आज उसका वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहां पर रामपथ चौड़ीकरण के दौरान में मंदिर टूटा था और नई जगह पर शिव हनुमान मंदिर की स्थापना की गई है और आज विशेष मंत्रोच्चार के बीच में भूमि पूजन हुआ। मेरा सहयोग नहीं पर राम जी की कृपा है। इस करण रामपथ के चौड़ीकरण में यहाँ पर ये प्राचीन शिव हनुमान मंदिर था, प्रभु शिव जी का और हनुमान जी का, वो स्थापित हटाया गया था, विस्थापित किया गया था। तब से ही इस समाज के लोग, इस क्षेत्र के लोग की सबकी इच्छा थी कि ये प्राचीनतम, ऐसा लोगों की मानता है कि सैकड़ों वर्ष से था यह मंदिर, तो ये पुनः जीर्णोद्धार होना चाहिए और मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन में हिस्सा लिया।
इस दौरान इस मौके पर अंबानी परिवार ने पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा को विदाई दी। गणपति की विदाई पर बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद थे। अनंत और राधिका काफी दूर तक पैदल चलते हुए नजर आए। अंबानी परिवार ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में गणेश उत्सव मनाया। उत्सव में उनके करीबी दोस्त और बॉलीवुड के सितारों ने शिरकत की। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से लेकर नव विवाहित अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट ने गणपति की विदाई की। दो तस्वीरें आपके सामने हैं गणेश विसर्जन के दौरान की। ये तस्वीरें जब अंबानी परिवार और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे इस विदाई में और काफी हर्षोल्लास के साथ में गणेश उत्सव मनाया जाता है। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, जब गणपति जी की विदाई की गई तो अनंत और राधिका काफी दूर तक पैदल चले।